आपण मानक सिद्धार्थ भक्त जाईफुल मालिका को स्वागत करुछु। आम मान आलोचना करूले से जाईफुल मालिका रे महाप्रभु को क्यों माने प्राप्ति हुंती जो माने निज को महाप्रभु चरणारविंद तले समर्पण कर दे संपूर्ण अहंकार मुक्त हो जाते से माने भगवान को प्राप्ति हुंती आतर किसी कामना न था। आज से ही पद को आपण मान पाखे रखा किए भगवान को प्राप्ति करे आ भक्त जी संपूर्ण रूपे प्रभु पाख निजक समर्पित कर दिए तो आज से भली एक पद जाईफुल मालिकार कौन कहले प्रभु को सेवा करवा तो कौ भली भाव सेवा करवा कौन से कामना न रखी कौन कहले कहले निष्काम भाव रे सेव निष्काम भाव रे सेव निष्काम भाव रे सेव निष्काम भाव रे सेव अभय चरण प्राप्ति होई बलो जाई फूल घोर संसार उतरी जीव घोर संसार उतरी जीव घोर संसार उतरी जीव घोर संसार उतरी जीव बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की बोले निष्काम भाव रे सेव प्रभु को पाखरे निष्काम भावना टा कहे मो सद्गुरुदेव प्रेमाचार्य बाबा मधुसूदन कहले प्रेम तो प्रेम तांका पाखरे निष्काम प्रेम दरकार निष्काम प्रेम से प्रचार करथिले कौन सी कामना पाई नहीं कामना प्रीति अर्थे जे संसार भितर कामना प्रीति अर्थे केवल प्रीति अर्थे भगवान को किछ पाइबार आशा नहीं कामना ही केवल प्रीति अर्थे पाखरे चरण से केवल कामना प्रीति टिके पाइबा ठू नुहे पे सुधी सज्जन आज देखु कड़े सुंदर कथा से दिन राजा कहवापी लगिले कहले जो माने अच्छ राज्यर समस्त मंत्रीवर सेना समस्ते शुण मात्र पांच मिनिट्र समय तुम्हें जहाँ देह हाथ रख से जिनस तुम मो मन को कहीं आसूँ तुमको किसी दवापाई तुम निजा इच्छा अनुसार नब तुम्हें जहाँ उपर हाथ रखिदब से जिनस तुम मात्र पांच मिनट समय यही समय भितर जी जुआटे दौड़ी गला किए धन भंडार को पलिगला किए राजा घोड़ा पाक पलिगला घोड़ा को भल पाए जो जिनस हाथ रखे से जिनस तार ना दौड़ा दौड़ी होगा समय भितर राजा कहला गोटे सेकेंड रहिला जी जहाँ हाथ रखिन रखी दियो ये समय भितरे से सेकेंड परिसमाप्ति जो राजा घटेले गोटे लोक थिला पाखरे दरिद्र लोकटे सी आसी राजा मस्तक हाथ छुईदेला समय सरीगला राजा कहला अरे हे किए घोड़ा को छुईला किए धन को छुईला धन टिक तार होगला अरे किए राज भंडार राजकोष को छुई राजकोष तार करदेला हेले तुम्हें मो मथार कहीं हाथ दल आखिर लुह गोड़े लोकटे कहला मत राज्यर जिनस कि दरकार ना जहाँ परवर्त समय भितरे ता पुणी राजांकर हो मोर दरकार जहाँ मुंडे हाथ रखिली सी जदि मोर हो सब राज्य जाक जिनस मोर हो राज्यर राजा जदि मोर आ राज्यर जिनस प्रति मोर कौन दरकार मुते पांच मिनट भितर केतेटा जगह हाथ मारि एवं राज्यर राजा को मुंडे हाथ मारे राजा मोर माने राज्यर सबू जिनस मोर राजा आखि लुहरे भरीगला धन्य जो लोक मैंने सब जिनस हाथ रखिदेले से मानु राजा पुणी थे बलपूर्वक छड़े आनले कहीं राज्य राजा समय राजा जहाँ चाहिए करेंगे ना किंतु ये प्रकृतर भावना देख जो राजा मोर से कौन आवश्यक आउ कह कौन आवश्यकता तेणु आम प्रभु ठू नुह प्रभु को मागिबा हे प्रभु तुम्हें केवल आवश्यक तेणु निष्काम भाव प्रेम सेवा दरकार कहीं निष्कामी ही प्रभु को प्राप्ति करे आउ गुप्त लीला को ही निष्कामी भक्त ही जानी पारे
एक मुँह कहूनी अच्युतानंद महापुरुष निजे कही कौन कहले कहले पूर्व हेतु थे प्रकाश पाइब ज्ञान कला देहे बहुल ज्ञान कला देहे शास्त्र पुराण रे गमी न हुए निष्कामी प्राप्त हुए जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की बोले पूर्व हेतु थे प्रकाश पाइब ज्ञान कला देहे जो ज्ञान कला समस्त देह प्रकाश पाए ना आ प्रभु कृपा समस्त मिले ना शास्त्र पुराण रे ताकु मध्य बखाणी हुए ना किंतु जो मानक उपरे प्रभुंकर कृपा थाए जो माने निष्कामी भक्त से मानको ही प्राप्ति हुए प्रभु लीला को जदि किए बुझी पारि थाए ता हेउछि निष्कामी भक्त प्रभु कहले संसार भीतर निष्कामी सबुबले चार आयुध को धरी चली थाए निष्कामी आयुध कौन कौन अस्त्र शस्त्र आयुध नाई निष्कामी चार आयुध एक सत्य द्वितीय शांति तृतीय दया चतुर्थ क्षमा सत्य शांति जे दया क्षमा ये चार विष्णु महिमा आउ मान पाखे चार न थाए निष्कामी बेले केमी कहु किंतु ये चार आयुध हूँ भक्तर आ महापुरुष कौन कहते आयुध जहाँ पाखे न थाए से माने मोते प्राप्ति करई पारंती नाही एक आम कौन महापुरुष कहते बड़ा सुंदर भाव रे बोले सत्य शांति दया क्षमा जा हृदय नाही जा हृदय रे नाही से मूर्ख पामर मोते पाइब वा कहीं पाइब वा कहीं बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले सत्य शांति दया क्षमा जा हृदय रे नाही से मूर्ख पामर मोते पाइब वा कहीं तेणु से मूर्ख मोते पाई पारे नाही जा भितरे आम आलोचना करूले सत्य नाही सत्य कहे ना जीवन भितरे आ भागवत कौन कहले सत्य कहिबो नित्य तुंडे केबे नथिबो पासांडे शांति नहीं सब अशांति जीवन जापन करे सत्य ना शांति ना दया क्या जीवन भितर दया करे ना आ क्षमा जड़े भूल करदे क्षमा करदे ये भाव भी जहाँ भितर ना भगवान ताको भल पाती ना बासी के प्रभु को प्राप्ति करे ना ओडिया भागवत जगन्नाथ दास अति सुंदर भाव कही कौन कहले सत्य शांति दया क्षमा चार लक्षण जहाँ भितर थब से हूँ मोर भक्त कौन कहले जगन्नाथ दास कहले ए चार लक्षण जहार भक्त बोलाई से हुनर राधे गोविंद 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 पदो गणुछि मकरंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले ए चार लक्षण जहार भक्त बोलाई से हुनर ये चार लक्षण प्रकृतर जार सत्य थी शांति अच्छी दया क्षमा अच्छी से हूँ प्रकृत भक्त श्रीमद भागवत कहत हे प्रभु किंतु कलिजुगर लोक मान आचरण संपूर्ण रूपे भिन्न ओलोटा हाँ सत्य शांति दया क्षमता दूर कथा गोटे सरल व्यवहार मध्य मनीष भितर पाइबा बड़ कष्ट जहाँ को देखिए कटुता वाणी आम आगुरी बहुत आलोचना कर कथा महापुरुष मध्य कथा लेखिं किंतु कलिजुगरे आउ कौन घटना घटव कहले सत्य शांति दया क्षमा मनीष भितर उभेई जीव जहाँ को देख क्रूरता स्वभाव तार क्रूरता पूर्ण हम मर्था दुष्ट स्वभाव आऊपर भारी मीठा मीठा कथा किंतु भितरे चेर काटिब एक आम कहून अच्युत कहते कौन कहले कहले एमती मनीषर स्वभावर परिवर्तन आसीबो यही भली लोक सब मिले कौ भली लोक कहले उपरे कहिबे मीठा मीठा कथा भितरे काटिबे चेर बौलनो भितरे काटिबे चेर देखिले कहिबे बापा बाबू धन भितरे रखी जहर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की उपरे कहिबे भारी मीठा मीठा कथा बापा बाबू धन बोली कहिबे आउ
ଉପରକୁ ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ହେଲେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଜହର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଥିବ। ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେଣି ଏ ପ୍ରକୃତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଭିତରେ ତଳେ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଶୁଣୁ। କିଏ କହିଲା ନା ସେ ଅମକ ଲୋକ ତ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା, ଆହା ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଜଣେ କେହି କହିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଛୁରୀରେ ମାର କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ପଛରୁ ମାର ନା। କେହି ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଜୀବନରୁ ମାରିଦିଅ ଦାନା ପାଣି ମାର ନା। ହେ ସୁଧି ସଜ୍ଜନ, ପ୍ରକୃତରେ ପଛରୁ ମାରିଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଗରୁ ମାରିଦିଅ। ଆମେ ଜାଣିବୁ ତ ଏଇ ଲୋକ ମାରିଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପଛରୁ ବାରମ୍ବାର ଚେର କାଟି ମାର ନା। ହେ ସୁଧି ସଜ୍ଜନ, ଉପରେ ଭାରି ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଭିତରେ ଜହର ରଖ ନା, ତୁମେ ହିଁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ ଯାହାକୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ କଳିଯୁଗ ଭିତରେ ମଧୁର ବଚନ କହିଲା ବାଲା ଥିବେ, ହେଲେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବର କଥା, ଏଇଭଳି ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘୋର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଘୋର ନର୍କରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଠକି ଯାଆନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ହେ ଶିଷ୍ୟ ରାମ, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କଳିଯୁଗରେ ନିଷ୍କାମୀ ଭକ୍ତ ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି ନିଷ୍କାମୀ ଭକ୍ତ କ'ଣ ଜପ କରେ, କେବଳ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଏ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବା କ'ଣ ବା ତୁମର ଜପ କରିବି, ମୁଁ କ'ଣ ବା ତୁମର ଲୀଳାର କଥନ କରିବି। ଅଚ୍ୟୁତ କହିନାହାନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ତୁମର ଜପ କରିବି। କହିଲେ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ହିଁ ଜପିବି ଯା ଗର୍ଭୁ ଜନ୍ମ ବେଦ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରେ ବସ କରିବି ଯେ ଜାଣେ ସର୍ବଭେଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି କହିଲେ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରେ ମୁଁ ହିଁ ଜପିବି, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଜପିବି ପ୍ରଭୁ, ଯା ଗର୍ଭରୁ ବେଦର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରେ ବସ କରିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ତୋତେ କହିକି ବସ କରିବି, କି ସ୍ତୁତି କରିବି, ଯିଏ ଜାଣେ ସର୍ବଭେଦ ଜାଣିଛି, ଆମ କପଟ ଆମ ଛଳନା ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯିଏ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରୁଛି ଆମେ ତାକୁ ବସ କରିପାରିବା, ଯିଏ ସର୍ବଭେଦକୁ ଜାଣିଲା ବାଲା ତାକୁ ଆମେ ବସ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ହେ ସ୍ୱଦେ ସଜ୍ଜନ, କେବଳ ଭାବର ଭୁକାଶ, ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛୁ କେବଳ ଭକ୍ତିର ଭୁକା। ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ ଜୀବଟି, କେତେ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ କରିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ, କେତେ ନିଷ୍କାମ ଭାବର ସେବା। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, ହେ ଦେବ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ସର୍ବସର୍ବ। ହେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ, କହିଲେ ମୁଁ ପାପିଟିଏ, କହିଲେ ମାତା ପିତା ପାଦେ ଦ୍ରୋହୀ ମୁଁ, ଭ୍ରାତା ବନ୍ଧୁ ନିନ୍ଦଇ, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉପହାସ କରଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱଭାବ ଏଇୟା, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଟିକେ ପାରି କରିବ ନାହିଁ? ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ, ମୋ ପରି ପତିତ କେହି ସଂସାର ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କରିବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ, ମୋ ପରି ପତିତ ପାମର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତାର ବାନ ତାର ପ୍ରଭୁ ହେ ମୋର ଆଉ କେ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଜାଣିଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦିନକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦିନ ହେଲେ ଆପଣ ପୁରା ଦିନ ବନ୍ଧୁ। କେତେ ଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଷ୍କାମ ଭାବ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ, ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ, ତୁମ ସ୍ୱଭାବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କିଏ? କହିଲେ, ଅକର୍ମା ଦାନୀଟି ବୋଲାଓ କର୍ମେ ନାହିଁ ମୋ ମତି, ଶରଣ ସୋଦର ଉଦ୍ଧର ଗଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି, ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତୁମେ କ'ଣ ଶରଣ ସୋଦର, ତୁମେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ, ପୁଣି ଅକର୍ମା ଦାନୀ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ କିସ ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁ। ହେ ସୁଧି ସଜ୍ଜନ, ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରପ ଅଞ୍ଚଳରେ
किस शब्द लागे आज गोटे किस शब्दर प्रयोग कर महापुरुष अच्युत कह सर्वभाषा रही मालिकार सर्वभाषा रही अच्युत ग्रंथ से बालेश्वर भद्रक जो भक्त मैंने देखुवे बड़ आनंद हे कौन कहले ये शब्दर प्रयोग किस शब्द प्रयोग कौन कहले किस जप तप करी किस करी ध्यान क्यों जोग मुझे साधी मुझे अभागी जन गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 भज राधे गोविंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की पहले किस जप तप करी किस करी ध्यान ए प्रभु मु कौन किस आउ जप करी आउ किस आउ तप करी कौन बा ध्यान करी ये अभागी जन उपरे हे महाप्रभु जदि दया करिबा कथा टिके दया कर कहीं तुम्हें दया न कले प्रभु किए आउ मते दया करिबो अच्युतानंद महापुरुष शेषक समर्पण भाव कथा लिखिचन प्रभु तुम्हें दया न कले मु भासिली हे महाप्रभु रखिले रख जगन्नाथ आउ ना रखता तुम्हें न रखिले भासिली शुणी हुओ अच्छे आज अच्युतंकर दीनता भावर परिप्रकाश जी जाईफुल मालिका ग्रंथ को रचना करिचन्ते तांकरी ए भाषा केड़े सुंदर सावलील ढंग से महाप्रभु को से गुहारी करुचन्ते निजको दीनतार परिचय देइचन्ते आउ निष्कामी भक्त जाईफुल मालिकारे कहुचन्ते प्रभु को प्राप्ति करे जणे जगतर बंधु जगन्नाथ आउ जणे आगत द्रष्टा से होचन्ते अच्युत महापुरुष से पद को आपण मानक आगे आम्भे माने श्रवण करैबु जणे दीनबंधु जणे आगत द्रष्टा सी होचन्ते किए ना भविष्यतर बाणी सिंधु तांकरी कथा आलोचना चलीचे कले जणे दिन बंधु करुणा सागर जगतर सीए बंधु बहुल जगतर सीए बंधु आउ जणे हेले अच्युत गोसाई भविष्यत बाणी सिंधु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोल भक्तवत्सल भगवान की जणे दीनबंधु करुणा सागर लीलाचल जहाँकर स्थित आउ जो जगन्नाथ मूर्ति लीलाचल स्थित से ही जगन्नाथ मूर्ति पद्म बने अच्युत कहीं भक्त भगवान दुई भाविले भिन्ना भिन्न ना जड़े जगतर सी बंधु आउ जे आगत भविष्यतर बाणीर सिंधु सी समुद्र बोली तुलना कराई लक्ष्य ग्रंथर रचयिता समुद्र नुहत आउ कौन जहाँ बाणी कित प्रकार व्याख्या आमर से मुंड कहीं मालिका को बुझला भली ये छोटिया मुंडरे बड़ कथा हे मालिका प्रेमी माने जाईफुल मालिका को भल पाउथिबा भक्त माने केवल एठी विश्वास अच्युतंकर से समर्पित भाव महाप्रभु जगन्नाथ प्रति निष्कामी हवापी जदि चाहूँ आगत भविष्य जल जल हो देखा जाऊला या घटना घटव से मालिका रचना कले आ महापुरुष अच्युत कौन कहले राम से अवस्था आसव कौन हम महापुरुष अच्युत कहते कले समय एमती हो रे बाबू मिलनी थल कूल बहुल तो मिलनी थल कूल घरे घरे कली रोग महामारी बचाटा असंभा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कले समय एमती हो रे बाबू मिलनी थल कूल मालिका को अविश्वास करुचु तो लेखी रख ए कथा घरे घरे व्याधि आमे माने आरंभ आलोचना करुले बापा को रोग है तो पुओ को रोग घर शमशान पलटि गला गोटे घर चारि चारि जन गोविंदाय नमो नमो समय स्रोतर चली गले तेणु बंचवाटा असंभाल जामें भोग कर पुणी महापुरुष लिखिंट अच्युतानंद कौन कहले संसार छिंछत्र हम जो भाई अधर्म बढ़े चलो से हम कौन हम महापुरुष कहते आउ एक पदरे कौन कहले महापुरुष अच्युतानंद आउ एक विरल ग्रंथ चकड़ा मड़ाण से चकड़ा मड़ाण से अच्युत महापुरुष कहते बहर नाम लिखि रखत चकड़ा मड़ाण
चकड़ावड़ा महापुरुष अच्युत कौन कौन कले छीन छत्र येसु ना संसार थय न पड़ब केय न पड़ब के गुपत मारुणी ग्रामे ग्रामे हेब तोते मुंगेली बुझाए जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की चकड़ा मड़ाण 600 वर्ष तलर ग्रंथ पुथिलेखा ग्रंथ जहाँ को महापुरुष अच्युत कहिले छिनी छत्र हब ये संसार देखुना आजिकाली आपण मानक पार्टी समस्त पार्टी गोटे भाषा आम पुणी 100 वर्ष तल को पलू रोजगार जो भाई है बाप पाखर पुओ चलीगला महामारी समय जहाँ को कौन गुप्त मारणी ग्रामे ग्रामे हेब ये भली रोग हम गुप्त मारणी गुप्त भाव में कौन होता करोन से चलीगला आमती करोना रोग आसीगला गुप्त मारणी जहाँ को करोना हम सी भल आए मरबू करोना होता ए सुधि सज्जन आपण मानक ये गुप्त मारेणी महापुरुष चकड़ा मड़ाण 600 वर्ष तलर लिखी आज सत्य है ये संसार टा छिंछत्र होगला बुढ़ा बसी चार चार नाती पलिजे आई थय रही गुप्त मारेणी ये प्रति ग्राम ग्रामे हब कौन हब तोते मु देली बुझाई अच्युत कहते शिष्य राम को हे राम तते मु बुझे कि कहूँ एक कथा यही भली घटना सब घटव एथिपाई सतर्क तोते करदेली अन्याय अधर्म पथर टिके आसी भगवत सेवा से प्रभुंकर नाम गुण कीर्तन कर निष्कामी भक्त हो जा टिके तांकरी चरण सेवा कर तांक चरण को आश्रा कर दुखरे समस्ते बंचुचंती हेले दुख नाशन को केबे छाड़ना हे सुधी सज्जन जितेबले विपत्ति पड़ी सेतेबले श्रीपति मने पड़ती तेणु विपत्ति समय भितर से श्रीपति को टिके प्रार्थना कर कहीं खराब घंटा को सजाड़ा वाला बजारे अनेक मिले हेले खराब समय को सजाड़ा वाला जड़े केवल मो प्रभु जगबंधु जगन्नाथ तांकु टिके चिंता कर जाई फुल मालिका महापुरुष अच्युत यही कथा कहते शिष्य रामदास आउ कौन कौन आलोचना होई जाई फुल मालिकार से कथा आम्भे माने श्रवण करिबा हेले आज नुहे श्रोता बंधु समय संकेत इच्छा नथले भी आपण मानक पाख विदाय नेबा को पड़िब दुईबार नाम नहीं महाप्रभुंकर दरबार ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन 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 ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की।